Assalamu alaikum. Hello everyone and welcome to all of you at the channel Job Test Preparation Competitive Exams. Now I am here with a new video regarding vacancy announcement at Higher Education Commission Pakistan. Higher Education Commission ने जो है वो कुछ वैकेंसीज के अनाउंसमेंट की है, तो हम हमारे डिस्कस करते हैं कि कौन सी वैकेंसीज हैं और उसके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेन वीडियो की तरफ जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो पेनल्टी ऑफ जॉब जो हैं वो अनाउंस की हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर की है और इसका प्रोजेक्ट पे स्केल जो है PPS 10 है और इसकी तकरीबन मंथली लमसम सैलरी जो है वो तकरीबन 2,50,000 रुपये है और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो 3 है। इसमें जो है वो मेरिट के ऊपर एक सीट है, पंजाब की भी एक है और खैबर पख्तूनख्वा की भी एक है। उसके बाद PhD स्कॉलरशिप प्रोग्राम अंडर US पाकिस्तान नॉलेज कोऑर्डिनेटर फेज़ 1 है, ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर PhD इन सिलेक्टेड फील्ड फेज़ 3 और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड फॉर द HSC स्कूल्स रिटर्निंग आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द PhD टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज इन पाकिस्तान। इसमें क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 12 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुड रिप्यूट इंक्लूडिंग 5 ईयर मैनेजेरियल एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एज 55 ईयर्स है। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग एंड ऑपरेशन प्रोजेक्ट पे स्किल PPS 10 है और इसकी भी तकरीबन मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपये है और इसके नंबर ऑफ़ सीट 1 है। इसकी जो मेरिट के ऊपर 1 सीट है। इसके बाद ये जो है स्पेशलिस्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेटवर्क फर्स्ट क्लास मास्टर बैचलर डिग्री 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम विद 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द मैनेजेरियल कैपेसिटी टू प्लान मेंटेन एंड इंस्टॉल IT रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और इसमें 45 ईयर मैक्सिमम एज है। नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम डायरेक्टर है। प्रोजेक्ट पे स्केल जो है PPS 9 तकरीबन इसकी मंथली सैलरी 1,75,000 रुपये है और इसमें मेरिट पे एक पंजाब की एक और खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट है और इसकी मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एट लीस्ट सेकेंड डिवीजन फ्राम HSC रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन विद 7 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिप्यूट इंक्लूडिंग 5 ईयर ऑफ मैनेजेरियल एक्सपीरियंस और इसमें 55 ईयर मैक्सिमम एज है और इसमें जो है वो सीट्स जो हैं नंबर ऑफ 7 सीट्स हैं और इसमें कोटा में आपको डिस्कस कर दूँ, मास्टर मेरिट पे एक है, पंजाब की भी एक है, KP की एक, सिंध रूलर एक, सिंध अर्बन एक, बलोचिस्तान एक और इस तरह की हैं ये सीट्स। और नेक्स्ट है प्रोग्राम डायरेक्टर प्रोजेक्ट पे स्किल PPS 9 है और 1,75,000 रुपये इसकी मंथली सैलरी है, एक ही सीट है और ये पंजाब की है। PhD इन एनी डिसिप्लिन ऑन कम्बिनेशन इन द सोशल साइंस एंड ह्यूमनिटीज़ एंड रिलेटेड फील्ड विद 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड 5 ईयर ऑफ मैनेजेरियल एक्सपीरियंस, 55 ईयर इसकी मैक्सिमम एज है। टेक्नोलॉजी इंटरफेस मैनेजर प्रोजेक्ट पे स्किल जो है PPS 9 है और इसकी तकरीबन एक ही सीट है और 1,75,000 रुपये इसकी सैलरी है और इसकी MCS बैचलर इंजीनियरिंग एट लीस्ट सेकेंड डिवीजन इन केमिकल सिविल इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर मैकेनिकल सिस्टम इंजीनियरिंग फ्रॉम HSC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और इसके अलावा इसमें 7 ईयर एक्सपीरियंस और 5 साल का एक्सपीरियंस मैनेजेरियल होना चाहिए। उसके बाद सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर वेब डिज़ाइन है और इसकी एक सीट है और ये पंजाब की है और इसमें मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है वो चाहिए विद 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और 5 ईयर मैनेजेरियल एक्सपीरियंस। उसके बाद डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर की एक सीट है और इसमें पंजाब की और फर्स्ट क्लास मास्टर और बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेज BCS BCS BS इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम और 10 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजेरियल पोजिशन। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसका PPS जो है वो तकरीबन 8 है और इसकी तकरीबन इंक्लूसिव सैलरी ऑल कम जो है वो तकरीबन 1,25,000 रुपये है। सिंध रूलर अर्बन की एक, पंजाब वुमेन की एक, मेरिट पे एक, खैबर पख्तूनख्वा की एक। मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें, HSC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और 5 साल का एक्सपीरियंस भी। और नेक्स्ट जो सीट है वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की है, पंजाब की एक सीट है, मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम HSC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजेरियल सुपरवाइजरी लेवल प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस एंड MS प्रोजेक्ट इज
रिक्वायर्ड अकाउंट मैनेजर PPS इसका 8 है और तकरीबन 1,25,000 इस पर सैलरी है। पंजाब की ये एक सीट है। मास्टर और बैचलर डिग्री इन फाइनेंस कॉमर्स और इक्विवेलेंट डिग्री आर एच एस सी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और इसके अलावा एक्सपीरियंस जो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, यानी 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट सीट जो है वो लॉ ऑफिसर की है। इसमें आपको बैचलर डिग्री इन लॉ और LLB और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस, और इसकी पंजाब और सिंध की एक एक सीट है, और मैक्सिमम एज जो है वो 50 साल है। डिप्टी डायरेक्टर नेटवर्क PPS 1,25,000 रुपये इन ऑल इंक्लूसिव पंजाब की एक सीट है, और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री चाहिए और इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इसकी PPS जो है वो 8 है, पंजाब और AKP की एक एक सीट है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सीनियर सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट पे स्केल इसका 8 है और 1,25,000 इसकी इंक्लूसिव सैलरी है, और इसकी BS BE इन सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और इसके साथ साथ इसका 7 ईयर एक्सपीरियंस और 5 साल का मैनेजरियल एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर पे PPS 7 है और इसकी 15 सीटें हैं, और इसमें मेरिट पे एक, पंजाब एक, KPS सिंध रूरल और अर्बन की एक, और इसमें US बेस्ड हैं और कुछ एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हैं, तो इसकी स्पेस के इसकी जो सीटें वो अलग अलग हैं। और नेक्स्ट जो है पंजाब KP की एक और बलूचिस्तान की एक है। इसमें मास्टर डिग्री और क्वालिफिकेशन जो है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी चाहिए, और इसके अलावा 2 साल का रेलिवेंट मिड लेवल एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर PPS 7 है और इसकी 90,000 सैलरी है। मेरिट पे एक एक्सपर्टा न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैबर पुखना की एक सीट है, मास्टर डिग्री और इसके साथ साथ 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अकाउंटेंट प्रोजेक्ट पे स्केल 7 है, 90,000 पर मंथ सैलरी और इसकी 7 पोजीशंस हैं। KP के की एक है, सिंध की एक है, सिंध की अर्बन की एक है, रूरल की एक है, और पंजाब वुमेन की एक है, बलोचिस्तान की एक है, और मेरिट पे एक है। यूनिवर्सिटी HSC विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी मास्टर विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और इसका होना चाहिए MBA आना चाहिए। और वो अकाउंट ऑफिसर अकाउंट मैनेजर की भी सीट है, और ये एक मेरिट के ऊपर है। उसमें MBA फाइनेंस और रेलिवेंट क्वालिफिकेशन और विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर डेटा एनालिस्ट की प्रोजेक्ट पे स्केल इसका 90,000 पर PPS 7 और 90,000 पर मंथ सैलरी है, और मेरिट के ऊपर एक सीट है। मास्टर डिग्री इन सोशल साइंसेज IT स्टेटिस्टिक एनी रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम HSC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 4 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है वो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद काउंट किया जाएगा। उसके अलावा आपने जो है वो http://career.hsc.gov.pk के ऊपर जाके आपने अप्लाई करना है। CV और डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म में सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबल कैंडिडेट को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इस्लामाबाद रावलपिंडी रीजन में, या विल बी कंडक्टेड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कराची, लाहौर, क्वेटा एंड पेशावर। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी इज 500 एंड सर विल बी सबमिटेड इन अकाउंट नंबर HPL@17427900133401। ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट विल अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड गिवन 5 ईयर ऑफ जनरल एज रिलैक्सेशन। The age relaxation will be given to the government role. The experience as a time however appreciated as an internee will not be considered counted as a experience. The selected will be candidate posted in anywhere in Pakistan. HSC के पास reserve right to increase or decrease the number of post. The applicant can apply within 15 days from the date of application. That's all about today. Video will be come with next time soon.